वेल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड 13 अपडेट के बारे में। एंड अभी तक में रियलमी के डिवाइसेस में जो भी अपडेट्स देखने को मिले हैं रिसेंट में, यहाँ पे जो भी अपडेट्स देखने को मिले हैं जून 2023 के मंथ में, उन सभी के बारे में आगे वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है? वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एंड अगर आपको इन फ्यूचर में भी इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो। वेल दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले अपडेट सामने निकल के आ रही है रियलमी की तरफ से, रियलमी 8S 5G डिवाइस को लेकर। तो अगर आप इंडिया के अंदर रियलमी का 8S 5G डिवाइस को यूज़ कर रहे हो तो फाइनली इस डिवाइस के लिए जून 2023 के मंथ का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट को रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया है। अगर हम लोग यहाँ पे इस अपडेट की वर्जन की बात करें तो RMX338111F.05 देखने को मिला है, जो कि स्टेबल अपडेट है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये अपडेट आपके डिवाइस में देखने को मिला है या फिर नहीं। और अगर आप लोगों को ये अपडेट आपके डिवाइस में देखने को नहीं मिला है तो यहाँ पर टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। देखो, सिंपली आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 7 डेज का वेट करना है, आपको ये अपडेट आपके डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं कि इस न्यू अपडेट के बाद आपके डिवाइस में क्या कुछ नए फीचर्स यहाँ पे देखने को मिला है। देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो आपके डिवाइस के सिक्योरिटी में इंटीग्रेट्स द जून 2023 एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच टू इनहेंस सिस्टम सिक्योरिटी। तो यहाँ पर आपके डिवाइस में जून 2023 के मंथ का एकदम लेटेस्ट यहाँ पे सिक्योरिटी पैच को प्रोवाइड किया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे सिस्टम में इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर आपके डिवाइस के सिस्टम परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है। तो डेली टास्क में, मल्टी टास्किंग में, गेमिंग में, ऐप ओपन क्लोज में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें दोस्तों, तो फाइनली इंडिया के अंदर रियलमी नार्जो 50 डिवाइस के लिए रियलमी Y4.0 एंड्रॉइड 13 बेस्ड ऑन ओपन बीटा एप्लीकेशन को रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया है। अब देखो, ये जो अपडेट है इंडिया के अंदर 20 जून को ऑफिशियली रोल आउट किया गया था। अब यहाँ पे काफ़ी सारे यूजर्स के डिवाइसेस में ये जो अपडेट है देखने को मिल गया है। एंड अभी भी ऐसे काफ़ी सारे यूजर्स हैं जिनके डिवाइस में ये अपडेट देखने को नहीं मिला है, तो वो तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि परेशान होने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो, सिंपली आपको अपने डिवाइस के सॉफ्टवेयर अपडेट वाले सेक्शन में चले जाना है एंड अपने डिवाइस को RMX328611C.12 या फिर RMX328611C.11 के लेटेस्ट वर्जन में अपडेटेड करके रख लेना है। अब ये जो मैंने आप लोगों को वर्जन बताया है रिक्वायर्ड वर्जन है, देन इसके बाद ही आपको आपके डिवाइस में रियलमी Y4.0 एंड्रॉइड 13 का ओपन बीटा एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली अपने डिवाइस को लेटेस्ट वर्जन में अपडेटेड करके रख लेना है। एंड इस अपडेट को इंस्टॉल करने से पहले आपके डिवाइस में 60% बैटरी चार्ज होना कंपलसरी है, तो उसे आप यहाँ पे याद रखना। वैसे दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि इस बीटा अपडेट का जो वर्जन है वो आप लोगों को यहाँ पे RMX328611F.02 देखने को मिल जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे इस अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको अपने डिवाइस के सेटिंग्स वाले ऑप्शन में चले जाना है, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट में चले जाना है, फिर टैप ऑन द सेटिंग्स आइकन इन द टॉप राइट कॉर्नर। आपको सेटिंग्स के आइकन में राइट कॉर्नर में टैप करना है, फिर वहाँ पे आपको बीटा प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा, उसमें आप लोगों को अप्लाई नाउ में क्लिक कर देना है। फिर वहाँ पे आपको कुछ सबमिट्स योर डिटेल्स एंड फिनिश द क्विज, आपको वहाँ पे उस एप्लीकेशन में अपने जीमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है और वहाँ पे जो कुछ क्विज आएंगे उसे सॉल्व कर देना है। देन इसके बाद आपको जो फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा एंड ऑलमोस्ट आप लोगों को यहाँ पे 7 डेज के अंदर अंदर ये जो अपडेट है आपके डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे रियलमी Y4.0 एंड्रॉइड 13 का ओपन बीटा एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा और सिंपली आप अपने डिवाइस के सॉफ्टवेयर अपडेट के सेक्शन में जाके इस अपडेट को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों, बस यही सभी लेटेस्ट अपडेट सामने निकल के आई थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर दिया हूँ। एंड ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी दोस्तों तो यहाँ पे एक लाइक जरूर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। बाकी दोस्तों, आप चाहे तो मुझे ट्विटर, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम तीनों में ही फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।